जेल में बंद बलात्कारी बाबा राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा सचा सौदा के कनेक्शन बिजली विभाग ने काट दिए हैं। डेरे पर लाखों रुपए बिजली का बिल बकाया था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बुधवार को डेरा सचा सौदा के 15 प्रतिष्ठानों के बिजली के कनेक्शन काटे हैं। सिरसा के नाथों श्री चौपट्टा ऑपरेशन सब डिवीजन के असिस्टेंट इंजीनियर रविवार कुमार के हवाले से अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून ने लिखा है कि डेरे के जिन प्रतिष्ठानों का कनेक्शन काटा गया है उन पर 32 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया था। उन्होंने कहा इनमें से ज्यादातर कनेक्शन डेरे की फैक्ट्री शोरूम और दुकानों के हैं जो कि 25 अगस्त से बंद हैं। डेरा की मुख्य इमारत जहां संघ तसत संघ होती थी वहां का कनेक्शन भी काटा दिया गया। डेरे में 5 स्टार होटल, सिनेमा हॉल, अस्पताल, 8 शैक्षणिक संस्थान, 1 मॉल, क्रिकेट स्टेडियम, महल और कई अन्य भव्य इमारत हैं। सूत्रों का कहना है डेरे का बिल करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए आता था। बाबा राम रहीम डेरे की 2 साध्वियों के साथ रेप करने के मामले में रोहतक की सुनेरिया जेल में बंद है। जेल में वह 20 साल की सजा काट रहा है। 25 अगस्त को पंचकुला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बाबा राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ रेप करने का दोषी करार दिया था। इसके बाद पंचकुला में मौजूद लाखों डेरा समर्थक हिंसा पर उतर आए। डेरा प्रेमियों ने सुरक्षा बलों के साथ मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हरियाणा के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा फैल गई। डेरा प्रेमियों ने सिरसा में भी उत्पात मचाया। हरियाणा के अलावा पंजाब, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में भी हिंसा और आगजनी हुई। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।